वालेकुम माय यूट्यूब फैम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल जुमा मुबारक टू ऑल। आज जुमा मुबारक है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला सबकी इबादत और दुआएं कबूल करे। जी तो आज के व्लॉग में क्या है, चलें जी मिलके देखते हैं। तो क्या था कि मैंने किचन वगैरह क्लीन की है, और क्लीन वगैरह करने के बाद मैं अभी कुछ और करने ही वाली थी, बल्कि निकलने वाली थी। तो हस्बैंड ने कहा जी आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। मैंने कहा वाजी वाह, आज चांद किधर से निकला, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कम ब्रेकफास्ट करते हैं, और कभी कभार कहते हैं, वरना जब मैं पूछ रही होती हूँ तो कहते हैं नहीं करना है, थैंक यू। लेकिन आज उन्होंने कहा तो मैं कह चलें जी, एग्स बॉयल होने रख दी हैं सिंपल, उन्होंने एग बॉयल और टी लेनी है। तो साथ में मैंने सोचा कि चलें जी, छोटे मोटे जो जो किचन के काम होते हैं, थोड़े से जैसे मसाला वगैरह फिनिश हो गए हैं, कुछ चीज़ें वगैरह फिनिश होगी जो रीफिल करके रखनी है, तो वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि अभी एग्स को 10 मिनट्स तो लगेंगे। उतनी देर में मैं अपना काम कर लेती हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि हमारा होम हाउस वाइफ का एक एक मिनट कीमती होता है, तो इसलिए टाइम के हिसाब से चलना होता है। अच्छा तो अब मुझे पहले ये बताएं कि यस्टरडे वाली रेसिपी किस किसने देखी। मेरी जो मेरे साथ हुआ था, मैं खुद हंस हंस के पागल हो गई थी कि हैं क्या हुआ, क्योंकि अक्सर लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि हम कुछ बना रही होती हैं और हैं तो कुछ और बन जाता है, ये वो हमारे माइंड से ऐसा स्लिप होता है कि वो सही होने के बजाय रॉन्ग हो जाता है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो मैं तो फिर भी ये हम मिक्स व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं ना, तो जो कुकिंग चैनल जिनका है, जो जस्ट ओनली शेयर करती हैं रेसिपीज़ वगैरह, उनके साथ तो बहुत ही ट्रबल्स होते होंगे, कभी रॉन्ग बन जाती होगी, कभी चीज़ें गिर जाती होंगी। क्योंकि एक कुकिंग चैनल मैंने नोटिस किया था, उन्होंने अपने बिहाइंड द सीन दिखाए थे, तो मैं हंस हंस के पागल हो गई थी बेचारों के। कभी कभी ना काफ़ी उनके सीन होते हैं, मीन कभी बटन टूट गया, कभी गिर गया, कोई स्लिप हो गया, कभी रॉन्ग हो गया, कभी कुछ हो गया तो इतना मैं हो गई थी। तो खैर मेरे साथ अभी ये हुआ, तो ऐसा तो हो जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो वैसे रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त बन गई थी, बस ये था कि मैंने मिक्स नहीं किया था और लेयर्स लगा दी थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त बन गया था। और हस्बैंड और बच्चों ने तो उसी टाइम मेरी वो जो एक थी ना बेकिंग ट्रे, उसने फिनिश कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ पे मेरे रीफिल करने थे बॉक्सेस, वो भी डन हो चुके हैं, जैसे मैंने अपने क्यूब्स वगैरह भी बॉक्सेस में डालनी थी, इस तरह इजी रहता, तो चलो ये भी हो गया है। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक मजे की चीज दिखाऊँ आपको। अच्छा मैं अपनी सिस्टर्स को एक ट्रिक बताऊँ, अगर तो आपकी हाइट छोटी है और आप अपनी किसी चीज तक पहुंच नहीं सकते हैं, आपको हस्बैंड को बुलाने की जरूरत पड़ती है, तो हस्बैंड की बुलाने की बजाय ना आप लोग ना ये ले, हर किसी की चीज किचन में अवेलेबल होता है ये वाला, तो ये बहुत काम का है, ये फूड के काम भी आता है और कोई चीज पिक करने के भी काम आता है। जब मेरी ना पहुंच रही हो, कहते हैं ना बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो ये वाला काम कर, ये देखें आ गया ये देखो बेहतरीन सीख है। ओके ये देखो, आजकल मैं ये कैटली वाली चाय हम यूज कर रहे हैं, हस्बैंड को भी पसंद आई थी, मुझे भी, तो ओरिजिनल टेटली टी पाकिस्तान की। तो इसमें 240 बैग्स हैं और ग्रेट टेस्ट, वाकई इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। तो हमने सोचा कि इसको, तो हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो इसलिए आजकल हम टेटली यूज कर रहे हैं। तो अभी इसको रखते हैं वापस, ऐसे पकड़े, मुझे इतनी हंसी आ रही कि मैं आप लोगों को कौन सी ट्रिक बता रही। खैर बाय द वे, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला है नहीं ना, कोई मसला। तो फिर चलें जी, वाकई कोई मसला नहीं है, ये थी ट्रिक मेरी जो कि मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इंग्लिश टी बना ली, हस्बैंड को इंग्लिश टी पसंद है, आज शुक्र उन्होंने कॉफ़ी नहीं ली। मैंने कहा नहीं आपको ना मैं आज चाय बना के देती हूँ, तो चाय पकी हुई नहीं पीती हैं वो ज़्यादा, क्योंकि वो उनको थोड़ा सा हैवी लगती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह बनाई गई है, तो बस ये रेडी हो चुकी है, तो ये उनको जाके मैं देती हूँ, वो वेट कर रहे हैं। और उन्होंने ना योक नहीं खानी होती है, लेकिन ये अंडे जो है ना, एग्ज़, ये देसी हैं, इसलिए इनकी वो योक खा लेते हैं बड़े ही मज़े के साथ, क्योंकि उनको पता है कि ये देसी अंडे हैं, तो इनका वाकई देसी अंडों का टेस्ट ही और होता है, इसलिए जो खाते हैं ना उनको डेफिनेटली पता होगा।
जी तो वाकई कोई मसला ही नहीं है जी, हम ट्रिक श्रिक यूज़ कर लेते होते हैं, बड़े ही काम की ट्रिक्स होती हैं। खैर इसके साथ ही जो फ्रीज़र में मेरा फूड वगैरह पड़ा था, जो फ्रीज़ किया था मैंने, तो उनको मैंने जिप लॉक बैग में डालना था, जिप लॉक बैग्स फिनिश थे, तो क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं तो वो ठीक रहते हैं। चलें ये भी हो गया, तो इसको मैं जाकर मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। देन उसके बाद मुझे एक और काम है, क्योंकि फ्राइडे के बाद वीकेंड आता है, तो वीकेंड पे होता है कि सारा घर फैमिली को क्लीन मिले, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं, हस्बैंड भी घर पे होते हैं, और सारा फैमिली टाइम चल रहा होता है। तो मैं नहीं चाहती होती हूँ कि मैस वगैरह हो, ये कोई रूम ख़राब वगैरह हो। तो जिस तरह अब ये डाइनिंग टेबल क्लीन करने वाला था, और यकीन जाने इसको मेरा काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि ये हम डिनर में ही यूज़ करते हैं ज़्यादा, और सम टाइम ब्रेकफास्ट में। तो उबैदुल्ला ने ना वो जो मार्कर नहीं होती, ब्लैक मार्कर, उसने सारा मेरा टेबल पे ना उसने सारी ड्राइंग की थी। मीन उसे ड्राइंग के लिए कुछ चाहिए था, कुछ था नहीं, तो उसने टेबल को यूज़ किया। तो अब वो ना आहिस्ता आहिस्ता रिमूव ऐसे हो रहे हैं, और अभी फिर मैं ले नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर लेना है जब तक थोड़ा सा मैं इसको सेंस आ जाए, थोड़ा सा सेंसिबल से मेरा बॉय हो जाए, तो फिर ही लूँगी। इसीलिए फिर मैं थोड़ा सा अभी कुछ भी लेना अवॉइड करती हूँ, और जिस तरह से मार्कर्स वगैरह आपको उसके निशान वगैरह नज़र आ रहे होंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, अब वैसे स्ट्रेट वे ये जाते नहीं हैं। और स्प्रे वगैरह से मैं अवॉइड करती हूँ क्लीन करते हुए, क्योंकि स्प्रे वगैरह ज़्यादा भी अच्छे नहीं होते, वो जो होते हैं क्लीनिंग केमिकल स्प्रेज, उनको थोड़ा सा डेली बेसिस पे अवॉइड करना चाहिए, कभी कभार ठीक है। इसलिए मैं तो वाइप्स ही यूज़ करती हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट रहते हैं। अच्छा चलेंगे। अच्छा पता क्या है, ये ना मुझे पता नहीं क्यों पसंद है, आई थिंक ये आदत मैं जब आई थी शादी करके, 9 ईयर हो रहे हैं तब से ही मेरे पास है, मम्मा ने दिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि मम्मा के दी चीज़ वैसे बड़ी स्पेशल, बड़ी प्यारी लगती है। और इसमें ना मीन ये टेबल मार्क्स में बात ही कुछ और है, क्योंकि ग्रीन वाला है ना, इसमें पैटर्न है और ना स्पेशल स्पून वगैरह बनी हुई, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती, एक अट्रैक्ट करता है मुझे कि ये बड़ा अच्छा है, तो इसको फेंकने का दिल नहीं करता मेरा, क्योंकि आई थिंक के माँ की चीज़ों के साथ जो हमारी अटैचमेंट होती है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो ये तो घर में मैं ये यूज कर लेती हूँ, जब लंच डिनर मील सारा चल रहा होता है, तो जब स्पेशल ओकेजन होते हैं, जब स्पेशल कोई डिनर वगैरह अरेंज करती हूँ या स्पेशल कोई डे होता है, तो तब मैं कैंडल्स वगैरह, कंट्री स्टैंड वगैरह एंड ग्रे मार्स अपने रख लेती हूँ। बैदुल्ला जो है ना वो इधर उधर फेंक देता है, मीन टेबल करना वो हार देखने वाला नहीं होता तो इसको सेट करना पड़ता है प्रॉपर, तो इसलिए फिर मैंने ना इधर से उठा के ना कैंडल्स, कंट्री स्टैंड या टिश्यू बॉक्स जो स्पेशली, वो मैंने एक साइड पे रखे हुए हैं और मार्च वगैरह, ताकि कभी यूज कर लो, क्योंकि वो है तो बस इधर उधर चीजें फेंक देता है जी। तो ये थी लास्ट थिंग टू डू जो मैंने फाइनली ये कर ली है, ये क्लीन करना था। और इसके साथ ही आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ मोटिवेशन मिली होगी सभी मदर्स को, सिस्टर्स को जी। तो इसके साथ ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।